देख लिया ना तुमने, इतनी बुरी किस्मत है मेरी। ऐसे मत करो फलवा, तुम तो मुझे हिम्मत देती हो, तुम ऐसे थक गई हूँ हिम्मत करते करते, अब बर्दाश्त नहीं है मुझ में। हाँ जाहिर है दिल टूटा है ना तुम्हारा, सिमटने में टाइम लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा। कमजोर था वो और मैं उसे समझ ही नहीं पाई। मोहब्बत भी क्या चीज होती है, औरत की आंखों पर ऐसी पट्टी बांध देती है कि मर्द का हर ऐब हर बुराई उसे अच्छी लगने लगती है। और जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो सिवाय पछतावे के हाथ कुछ भी नहीं आता। कुछ नहीं हुआ बीबी, शुक्र करो ये सब कुछ शादी से पहले ही हो गया, जो भी असलियत थी नजर आ गई, अब सब अच्छा होगा। हिम्मत करो फरमा, मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा सारा। अम्मा मेरी शादी शकील के साथ तैयार करके बैठी भी। कौन चुकी? बराबर वाली गली से खाला रिश्ता लेकर आई थी, पिछले महीने ही उसकी बेबी मरी है और दो बच्चे हैं उसके। क्या हो गया तुम्हें, पागल हो गई? क्या तुम बच्चे वाले आदमी से शादी करोगी? क्या हो गया है तुम्हें फरवा? अरे बेबी, इस घर में जो रिश्ते के लिए आता है ना, पहले घर बार देखता है कि कितना जहेज मिल सकेगा। लेकिन आंटी दो शादीशुदा। अच्छा तो तुम्हारे पास कोई अमीर कवारा और अच्छा रिश्ता है तो तुम ले आओ। बातें करते हैं, बात हो गई है। देख लिया तुमने, जब बिलाल मेरा साथ नहीं दे सका तो और कौन देगा? बस मैंने सोच लिया, मैं शकील से ही शादी करूंगी। इस तरह अम्मा की लालच भी पूरी हो जाएगी, वो मुझे नौकरी भी करने देगा, घर का खर्चा चलता रहेगा और उनका फर्ज भी पूरा हो जाएगा। पागल हो गई हो तुम शकील से शादी करोगी? नहीं, तुम मान जाओगी उससे शादी करने के लिए? पता नहीं, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि कुछ अच्छा नहीं होगा मेरे साथ। कुछ भी अच्छा नहीं होगा मेरे साथ, कुछ भी।